क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, बड़ा क्या होगा बिल्डिंग की टावर टावर तो बिल्डिंग बना ली यहां पे, ये बिल्डिंग है ठीक है, कितनी मीटर की है 7 मीटर की, 7 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग ये ए बी ठीक है, और टावर है यहां कहीं पे टावर बना लिया, टावर बड़ा सही बनाएंगे ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर के टॉप से, केबल टावर का टॉप ये रहा और बिल्डिंग ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है जब नीचे से ऊपर बने, नीचे से तो सिंपल सी बात है ये होगा, ये एंगल कितना है इसको यहां भी ला दिया तो ये एंगल कितना है 60। आगे समझ में आ गया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट इट्स क्या उसके फुट से, किसके फुट से, इसके फुट से, यस सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ये कहां मिलेगा ये सर यहां पे, यस सर यहीं पे तो मिलेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ऊपर से नीचे बाहर की ओर, तो ये एंगल कितना दिया है 45 ठीक है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की हाइट, ये पूरी हाइट यहां पे ए बी सी डी ई, मतलब ये पूरी हाइट निकालनी है हमें, ये पूरी हाइट है ना टावर की, यस सर। फिगर समझ में आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिगर ही नहीं बनेगा आगे, आधो से एंगल 45 ले लेंगे जो कि गलत होगा, डिप्रेशन बाहर की ओर बनता है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यस सर। क्यों होगा, अल्टरनेटिंग एंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे, यस सर। कौन से सर, एक तो ई ए बी सी, ई अबे बेटा नो सर, ई ए सी, ई ए सी ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या करेगा सर, एक तो ए बी सी हाँ, और एक है सर ए डी सी, हाँ ए डी सी क्या करेगा इस ट्रायंगल का, हमें निकालना क्या है बेटा, ये तो क्लियर हो सर, टावर की हाइट, टावर की हाइट, टावर की हाइट ये और ये होगी, यस सर, तो मतलब ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, तो ये चीज किस किस ट्रायंगल में आ रही, इस इसके पैरेलल ये है, यस सर, इसके पैरेलल ये है, तो ये 7 है तो ये कितना होगा सर 7, 7 क्यों सर, क्योंकि सर ये पैरेलल है, अब ये चीज कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ईडी, ई ए डी, आ गया समझ में, यस सर। कल बताया था जब भी एंगल 45 हो तो सर ये वाला, जब कल बताया था अबे यार एक दिन में गोल कर देता है, दो ट्रायंगल दिख गए, यस कौन से दो, ई ए बी, एक तो ए बी सी और ये वाला ठीक है, यस ये वाला दिख गए दो ट्रायंगल, यस सर। ये ट्रायंगल हम लेंगे सर ए ई डी, ए डी ले लेंगे, कुछ फायदा है, एंगल कितना हो जाएगा 105 की वैल्यू पता है नहीं पता है तो ये ले नहीं सकते, हम ले रहे हैं डी सी ई, डी सी लेंगे, इसका क्या फायदा है डी सी लेके, चलो ये निकाल ली, लेकिन हमें तो पूरी चाहिए ना, तो अल्टीमेट ए ई डी लेना ही पड़ेगा, आई बात समझ में, तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो शो दैट टेन थीटा कितना है 10 45, टेन 45 इक्वल टू पी कितना है सर ए बी अपॉन बी सी ठीक है, तो 10 45 कितना होता है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, बी सी तो यहां से कितना जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी, आई बात समझ में, yes, तो मतलब ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7 है, यहां तक काम हो गया हमारा, यस सर क्लियर है, और ऐसे भी याद रखना जब भी 45 एंगल हो तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल इक्वल आएंगे, नॉर्मल सी बात है, देखिए 45 है तो ये 90 हुआ, यस सर, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, इक्वल साइड सबसे इक्वल एंगल, सिंपल से ऐसे भी पता चल गया है ना। अब लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए ई डी, ए डी ई क्या लगाएंगे 10 60 इक्वल टू पी अपॉन बी बी ठीक है, 10 60 कितना होता है रूट 3, पी कितना है
सर पी है सर ईडी प्लस। अरे बेटा फिर कुछ भी बोलते हो, ट्रायंगल क्या ले रहा हूं मैं सर, ईडी होगा सर, ईडी कम से कम सोच के तो बोला करो, इतने अच्छे से कराने के बावजूद ईडी। और सर एडी पता है? नो सर। बिल्कुल पता है बेटा, ये इसके कितने हैं सर? 7 होगा सर। क्यों सर? क्योंकि सर ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है। यस सर, पूरा ये रेक्टेंगल बन गया, वो स्क्वायर बन गया, 7 7 7 7। आई बात समझ? लेकिन लिख के दिखाना है वहां पे कि ईडी एडी 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 क्यों है 7, क्योंकि एडी बीसी के पैरेलल है, तो बीसी 7 है तो एडी भी हो जाएगा। तो यहां से कितना आएगा, √3 = ED / AD कितना है 7, तो ED कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर 7 √3। हमें क्या निकालना था? पूरी हाइट। पूरी हाइट। तो हमसे एक चीज ये पूछी थी कि भाई ये कितना है? यस सर। वो पूछा ना डिटेल, अच्छा हाइट ही पूछा है, तो हाइट क्या होगा? हाइट इक्वल टू HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू पूरी ED प्लस सी प्लस DC। ED कितना है हमारा? ये रहा 7 √3 प्लस DC कितना है? 7 सर, 7 कॉमन आ रहा है 7, तो क्या आंसर आ गया? √3 प्लस 1 सेंटीमीटर, यही आंसर है। मीटर है, यही आंसर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल ट्रिकी, सब कुछ पूछने वाला। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? दिख रहा है अच्छे से? नोट डाउन कर लो।